उसने मेरे को ओवरटेक किया रॉन्ग गलत तरीके से, उसने मेरे को ओवरटेक किया, मेरी बाइक इम्बेलेंस होगी, रोड के साइड में चला गया मैं, एक मैंने लगा के उसको रोक लिया। उसके बाद मैंने फिर देखा कि मैंने उससे बात की, मैं भाई तू पीछे करके क्या है यार, ओवरटेक मार गया है, देख तो ले कैसे आ रहा कैसे नहीं। तो उसका जवाब था क्या हो गया, तो मैं हो जाता है यार कल को मैं लग जाती मर जाता, तो वो बोलता कोई बात नहीं मर जाता तो क्या दिक्कत हो रही है। बोला फिर चाबी निकालता है, मेरे को पता लगा कि ये बंदा ड्रंक है एकदम, उसने ना तो मेरी बात को सुना ना उसने मेरी किसी से बात करवाई आगे। मैंने उसी दोस्त के पास खड़े होकर वहाँ कॉल किया उसी नंबर पे, मैंने उनको बताया कि भाई मैंने आपको चेताया था, मैंने आपको बताया था एक घंटे पहले कि ऐसे ऐसे आपका ड्राइवर पी के चल रहा है, उसको संभालो, बच्चों की जान को खतरा है, लेकिन आपने मेरी बात को जीरो लेवल पे लिया, एकदम इग्नोर किया मेरे को। उस बस में ड्राइवर के अलावा चार अन्य व्यक्ति और थे, वो भी दारू के नशे में धुत थे, उनको भी होश नहीं था कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उनको बोलने तक का नहीं पता था हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, किससे बातचीत हो रही है। कल महेंद्रगढ़ जिले में हुए एक हादसे ने इलाके को झकझोर के रख दिया, 6 बच्चों की मौत और दर्जनों बच्चे घायल। इस इंसिडेंट में एक अन्नू नाम का शख्स है जिसने स्कूल को फोन किया था कि आपके बस चालक ने शराब पी रखी है, यदि स्कूल प्रशासन पहले इस मामले पे चेत लेता तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता। अन्नू हमारे साथ है, अन्नू से जानेंगे कि इन्होंने किस तरह फोन किया था और क्या कुछ पूरा मामला था। अन्नू एक बार बताएं कि किस तरह से क्या हादसा हुआ और आपने क्या देखा और क्या कुछ हुआ था। मैं खेत से आ रहा था अपने साइड पे अपने घर के लिए, तो उसके बाद वो पीछे से बस आई जो जीएल स्कूल की थी, उसने मेरे को ओवरटेक किया रॉन्ग गलत तरीके से, उसने मेरे को ओवरटेक किया, मेरी बाइक इम्बेलेंस होगी, रोड के साइड में चला गया मैं। मैंने बाइक को बैलेंस किया और जैसे तैसे उसको गांव के बस स्टैंड पे आके पकड़ लिया, ओवरटेक मैंने लगा के उसको रोक लिया। उसके बाद मैंने फिर देखा कि मैंने उससे बात की, मैं भाई तू पीछे करके क्या है यार, ओवरटेक मार गया है, देख तो ले कैसे आ रहा कैसे नहीं। तो उसका जवाब था क्या हो गया, तो मैं हो जाता है यार कल को मैं लग जाती मर जाता, तो वो बोलता कोई बात नहीं मर जाता तो क्या दिक्कत हो रही है। मैं अच्छा ये बात है, फिर मैंने रुका, मैं घूम के उसकी ड्राइवर साइड की खिड़की खोल ली, उसकी चाबी निकाल ली मैंने, फिर मैं बोला फिर चाबी निकालता है, मेरे को पता लगा कि ये बंदा ड्रंक है एकदम। फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरी चाबी नहीं दे रहा, अब तू जिसको बुलाना चाहता है उसको बुला ले या मेरी स्टाफ से बात करवा दे एक बार, जब तक तू स्टाफ से बात नहीं करवाएगा मैं तेरे को चाबी नहीं दूंगा। उसने ना तो मेरी बात को सुना ना उसने मेरी किसी से बात करवाई आगे। लेकिन यहाँ इतने में गांव मोहल्ले वाले जितने भी थे इंसान सब इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला कि यार जाने दे क्यों पंगे करता है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि आगे चल के इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिर मैंने बोला नहीं भाई स्टाफ से तो बात करनी चाहिए, मैंने बस को साइड में लगवा दिया। उसके बाद मैंने स्टाफ को कॉल किया, जो बस पे नंबर था वो ऑफ था, उसके बाद मैंने दूसरा नंबर निकाला कहीं से, उससे बात की, मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे आपका ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा है, ये नंबर है गाड़ी का, तो इसको चेत में ले, इस चीज को ड्राइवर बदलो या कुछ भी करो जो भी काम है। वो बोलते ठीक है सर हम 10 मिनट में इस बात पे देखते हैं ड्राइवर ने क्या कर रखा क्या माहौल है, हम आपको 10 मिनट में रिटर्न बताते हैं। लेकिन एक घंटा भी जाने के बाद तब तक उनका कोई मेरे पास मैसेज कॉल कुछ नहीं आया रिटर्न पे। ठीक है मैं वापस गांव जा रहा था घर की साइड, तो मेरा दोस्त बोलता है ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, उसमें 15 बच्चे एक्सपायर हो गए, स्कूल बस थी मल जीएल की बस थी क्या, तो बोलता हाँ जीएल की थी, मैं यार अभी थोड़ी देर पहले वो मेरा भी एक्सीडेंट करके चला जाता। मैंने उसी दोस्त के पास खड़े होकर वहाँ कॉल किया उसी नंबर पे, मैंने उनको बताया कि भाई मैंने आपको चेताया था, मैंने आपको बताया था एक घंटे पहले कि ऐसे ऐसे आपका ड्राइवर पी के चल रहा है, उसको संभालो, बच्चों की जान को खतरा है, लेकिन आपने मेरी बात को जीरो लेवल पे लिया, एकदम इग्नोर किया मेरे को, अब ये दुर्घटना इतनी बड़ी होगी, अगर आप इसी चीज को स्टार्टिंग में सीरियस ले लेते तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, वो बच्चे जिंदा होते अपने माँ बाप के पास होते, लेकिन आज वो नहीं है बेचारे। तो बोलते ठीक है सर हम देखते हैं, उस टाइम भी उन्होंने ये जवाब दिया और वो मेरी फोन कॉल काट दी उन्होंने, बोले ठीक है कोई नहीं। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे करके पहुंचे वहां, देखा बच्चों को संभाला, हॉस्पिटल लेके जाए वो लेके गए, जो माहौल था वहां जाके देखा समझा, फिर उसके बाद जो भी पुलिस ने कार्रवाई बन रही थी वो करते गए। अच्छा किस तरह से आपके बयान करवाए हैं पुलिस ने, क्या कुछ पुलिस ने पूछताछ की है, क्या अभी आगे लगा? पुलिस ने मेरे पास कॉल आई तो वो पूछते कि भाई आपको मेरे को बयान के लिए ले गए, वो मैं चला गया बयान के लिए, तो उन्होंने पूछा भाई कैसे क्या हुआ, तो मैंने जो भी मेरे साथ घटना घटित हुई थी मैंने सब बता दिया। मैंने ये तक बताया कि मैंने स्कूल में फोन कर रखा है, मेरे पास कॉल हिस्ट्री है, मैंने वो उनको दे दी, उन्होंने मेरे पे कॉल हिस्ट्री जो वीडियो वगैरह बनी थी वो सब उनके पास है, मैंने दे दिया उनको प्रूफ के तौर पे। तो बोले ठीक है, उन्होंने बताया ठीक है आपने तो जिम्मेदार इंसान का फर्ज निभा दिया था, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंसी बरती है इस चीज में,
तो अब उन पे जो कार्रवाई बनेगी वो करने के लिए तैयार है, करेंगे। गांव के सरपंच भी हमारे साथ है। सरपंच साहब, किस तरह से देखते हैं कि हादसा रुक सकता था, सीसीटीवी फुटेज जो है आई है आगे? जय श्री राम जी। अगर स्कूल प्रशासन चाहता तो ये हादसा निश्चित ही रुक सकता था, जो कि उनके पास इस हादसे से 2 घंटे पहले बात की सूचना मिल गई थी कि ड्राइवर जो है उन्होंने शराब पी रखी है, और बाकायदा इस सूचना को देने वाला भाई आपके समक्ष मौजूद है। अगर स्कूल प्रशासन उचित से उचित कार्रवाई उसी समय कर देता या कोई अन्य बस को भेज देता तो शायद में भी हादसा नहीं हो सकता था। और इस हादसे में अगर पूर्ण रूप से कोई जिम्मेवार है तो वो स्कूल प्रशासन है, उसके बाद वो ड्राइवर है, उसके बाद उसके साथ ड्राइवर के साथ जो बैठे हुए थे, क्योंकि अगर हम यार दोस्त आपस में बैठते तो कहीं ना कहीं वो दोस्त भी जिम्मेवार होते हैं जो उसके साथ थे। तो उसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति भी शायद उस बस में मौजूद थे उस समय, जो कि उस हादसे में कहीं ना कहीं शामिल। अनु, उस बस में कितने लोग थे, आपने रुकवाई तब किस तरह का उस बस में माहौल था? उस बस में ड्राइवर के अलावा 4 अन्य व्यक्ति और थे, वो भी दारू के नशे में धुत थे। उनको भी होश नहीं था कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उनको बोलने तक का नहीं पता था हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, किससे बातचीत हो रही है। पहली बात तो अगर स्कूल बस में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा है तो सबसे बड़ा क्राइम तो यही है, और दूसरा फिर वो स्कूल बस है, शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे वो दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये चीज तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें प्रशासन को, मतलब स्कूल प्रशासन को तो करना ही चाहिए, इसमें पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ये सड़कों पे हो क्या रहा है।